ब्रेक के बाद प्राइम टाइम न्यूज ब्रेक पर फिर से आपका स्वागत है। डॉलर के मुकाबले रुपया काफी मजबूत स्तर पर है। फिलहाल एक डॉलर की कीमत घटकर 40 रुपए के स्तर पर आ गई है। पिछले साल जून में ये करीब 47 रुपए के आसपास था। एक साल के अंदर रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 13.5% मजबूत हुआ है। इससे जहाँ एक तरफ ड्यूटी फ्री सामान सस्ता हो गया है, वहीं दूसरी तरफ निर्यातकों की नींद हराम हो गई है। देश से होने वाले एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों को जाता है, जिसकी बिलिंग डॉलर में होती है। अब डॉलर के कमजोर होने से एक्सपोर्टर्स को घाटे का डर सता रहा है। गुरुवार के कारोबार में एक डॉलर का भाव 40.71 रुपए तक आ गया। हालांकि बाद में इसमें थोड़ा सुधार हुआ और ये बुधवार के 40.90 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। उधर मजबूत होते रुपए की वजह से देश की GDP की वैल्यू भी 1,00,000 करोड़ डॉलर को पार कर गई है। इस आंकड़े को पार करना काफी अहम है। भारत 11वां ऐसा देश हो गया है जिसकी GDP 1,00,000 करोड़ डॉलर को पार कर गई है। डॉलर का सस्ता होना भारतीय पर्यटकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। रुपए के मुकाबले डॉलर के सस्ते होने से इन गर्मियों में विदेश जाना करीब 10% तक सस्ता हो गया है। टूर ऑपरेटरों को उम्मीद है कि इससे विदेश जाने वाले पर्यटकों में खासा उछाल आएगा। मिस्टर रमन और उनका परिवार इस साल अभी से सिंगापुर जाने को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस बार रमन अपने पूरे परिवार के साथ क्रूज पर सिंगापुर जा रहे हैं और एक हफ्ते के पूरे टूर का खर्चा सिर्फ 2,00,000 रुपए आ रहा है, जबकि पिछले साल सिंगापुर में 5 दिन का खर्चा ही इतना आया था। दरअसल पिछले साल के मुकाबले इस बार डॉलर सस्ता हो गया है, जिसका फायदा विदेश जाने वालों को हो रहा है। It's more expensive here rather than buying a package or hotel stay in Singapore or any part of Southeast Asia or in fact anywhere in the world today. पिछले साल जहां भारतीय पर्यटकों को सिंगापुर में 3 रात और 4 दिन बिताने के लिए करीब 25,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, वहीं इस बार ये खर्चा करीब 23,000 रुपए रह गया है, यानी 2,000 रुपए का फायदा। इसी तरह मलेशिया के पैकेज पर भी 2,000 रुपए घट गए हैं और अमेरिका के पैकेज पर तो करीब 15,000 रुपए का फायदा भारतीय पर्यटकों को हो रहा है। इसके साथ ही विदेश में जाकर खरीदारी करना भी भारतीयों के लिए सस्ता हो गया है। सो जो पैकेज 1,00,000 का था, जैसे मैं कह रहा था, वो अब 85,000, 90,000, 92,000 का हो गया। जो पैकेजेस यूजली लोग लेके जाते हैं वो ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव पैकेजेस होते हैं। खाना पीना वो अपने आप करते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं और घूमते हैं और अपना ट्रैवल करते हैं, टैक्सी वगैरह लेते हैं। ये फीडबैक तो है कि बहुत पॉजिटिव है वहाँ पे जाके। विदेशों के पैकेज सस्ते होने से इस बार टूर ऑपरेटरों को उम्मीद है कि इस साल विदेश जाने वाले पर्यटकों में 10% से ज्यादा का इजाफा होगा। डॉलर के सस्ता होने से भारतीय निर्यातक बेशक परेशान हो, लेकिन भारतीय टूरिस्ट काफी खुश है, क्योंकि विदेश में उसके लिए खर्च करना अब ज्यादा आसान और सस्ता हो गया है। कैमरामैन कमल के साथ दीपक उपाध्याय, जी बिजनेस, दिल्ली।